वेलकम टू ब्रोटोमोटिव, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आज हमारी वर्कशॉप में आई है 2011 की BMW 5 सीरीज पेंट जॉब के लिए। अब आप सोच रहे होंगे पेंट जॉब तो हम दिखाते ही रहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में खासियत क्या है? वेल, इस प्रोजेक्ट की खासियत ये होने वाली है कि इस गाड़ी पर हम सिर्फ पेंट जॉब नहीं कर रहे बल्कि हमने इसका जनरेशन चेंज भी कर दिया है। इस 2011 मॉडल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं 2022 मॉडल में। ये वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी गाड़ी हमारे पास आई थी तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट सिर्फ पेंट जॉब का था, बट हमें पता है कि इस पर किट अपग्रेड करके इसको जनरेशन चेंज किया जा सकता है। हमने उन्हें वही सलाह दी और उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ही सेड कि ये गाड़ी के लिए एक बढ़िया चेंज होगा, एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीडेड विद द अपग्रेड। अब इस गाड़ी को यूज करते हुए करीबन 12 साल हो चुके हैं। इसके लाइफ स्पैन में ऑलमोस्ट सारे पैनल्स मल्टीपल बार पेंट हो चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हमें इस पर अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं तो पेंट को स्ट्रिप डाउन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ऐसे पेंट जॉब्स में स्ट्रिपिंग नहीं की जाए तो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है पेंट ब्लिस्टर होने का, और क्योंकि हम यहाँ पर एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस कर रहे थे और ये प्रॉब्लम्स हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने गाड़ी के पेंट को स्ट्रिप डाउन कर दिया। एक तरफ से वर्कशॉप में इस गाड़ी का काम तो चल ही रहा था, दूसरी तरफ हमने किट का ऑर्डर भी कर दिया था और अब वर्कशॉप में किट भी आ चुका था। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस किट में क्या क्या चीजें आती हैं और उसके बाद इस किट का फिटिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। इस पर्टिकुलर 5 सीरीज पे जो हम किट बिठा रहे हैं, जो फेसलिफ्ट कर रहे हैं, वो ये पूरा किट है। ये सारे पार्ट्स चेंज किए जाते हैं। 2010 से लेके 2016 की जो 5 सीरीज BMW आती है उसका फेसलिफ्ट हो जाता है। बॉनेट, बम्पर्स, रनिंग बोर्ड, हेडलाइट, ग्रिल्स, फॉगलाइट कवर्स, एग्जॉस्ट टिप्स, ये सारे इसमें चेंज किए जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद गाड़ी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ये 2014-15 वाली BM 5 सीरीज है या 2020 वाली BM है। और अगर आपके पास भी कोई लग्जरी कार है और आप जानना चाहते हैं कि उसमें ये चीज पॉसिबल है नहीं, तो आप इंक्वायरी डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। हमारी वर्कशॉप पुणे में सिचुएटेड है और खासकर अगर BMW ओन करते हैं तो आप हमारे पास लाके इसे फेसलिफ्ट करा सकते हैं।
अब ऐसे केसेस में गाड़ी पर जब किट्स अपग्रेड किए जाते हैं तो सबसे पहले किट को बिठा के अच्छे तरीके से फिटिंग चेक कर लेना चाहिए। अब ये प्रोसेस पेंट होने के बाद भी किया जा सकता है, बट उस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे अराइज हो सकते हैं जिनको पेंटिंग के बाद सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ऐसा करने से कभी कभी दोबारा काम भी करना पड़ता है। फिटिंग एंड अलाइनमेंट एक बार अगर अच्छे से हो गया तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। हाँ, हमें दो बार जरूर किट को फिट करना पड़ता है, बट ये बाद में चैलेंजेस कम पैदा करता है। हमने क्लाइंट से गाड़ी के जनरेशन चेंज का और पेंट जॉब का परमिशन तो ले ही रखा था, बट फिर हम लोगों को लगा कि जब इतने मेजर चेंजेस हम गाड़ी में कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसे एक यूनिक कलर में भी पेंट किया जाए। आफ्टर अ फ्यू डिस्कशंस वी सेटल फॉर सोनिक क्वार्ट्ज। राघव और मुझे दोनों को लगा कि इस कलर में ये गाड़ी काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है, एंड क्लाइंट को भी पर्सनली व्हाइट कलर पसंद था, एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड कि इस गाड़ी पर हमें सोनिक क्वार्ट्ज करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी वर्कशॉप में जब भी हम किसी गाड़ी का कलर चेंज करते हैं तो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ ही करते हैं। हम लोकल आरटीओ में रिक्वेस्ट डालते हैं कलर चेंज के लिए, और वहां से जब अप्रूवल आ जाता है तो हम इस काम के लिए प्रोसीड करते हैं। आप अगर अपनी गाड़ी पर ऐसा कुछ काम कराना चाहते हैं तो पहले लोकल आरटीओ से परमिशन जरूर लें, वरना बाद में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अब ये गाड़ी पेंटिंग के लिए रेडी हो चुकी है, हम लोगों ने फिटिंग भी अच्छे से चेक कर लिया, प्लस इसका प्राइमिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे पेंट बूथ में डालते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि ये कलर इस गाड़ी पर कैसा लगने वाला है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट दिस फाइन पेंट जॉब।
अब जैसा कि मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि ये पर्टिकुलर कलर 3-coat पेंट सिस्टम में आता है, जिसका मतलब है सबसे पहले गाड़ी पर स्प्रे होता है व्हाइट कलर का बेस कोट, उसके बाद आता है ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट पर्ल कोट, और उसके बाद हम इस पर स्प्रे करते हैं क्लियर कोट। अब ये कलर बहुत ही ज्यादा फाइन है और हमारी वर्कशॉप में भी हमारे सबसे सीनियर मोस्ट पेंटर ऐसी गाड़ियों को पेंट करते हैं। हमारे पास जितनी भी गाड़ियां कलर चेंज के लिए आती है उसमें ये कलर सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड है, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज मैंने आज तक जितने व्हाइट कलर्स देखे हैं, Sonic Quartz is one of the best pearl coats that I've seen. फिटिंग करते समय अपने को लाइन लेवल का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी तरीके का स्क्रैचेस वगैरह का चांसेस ना हो। चलिए, दरवाजा फंस चुका है, कुछ दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं फेंडर फंसाते हैं। अलाइनमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, कलर हो चुकी है ना, तो थोड़ा सा क्रैच ना लगे बस उस चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए हम सारे बोल्ट को एक एक करके टाइट कर देते हैं ताकि फेंडर जगह पे रुक जाए। फुल टाइट कर। इस 5 सीरीज का पेंटिंग का पूरा काम अब कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस गाड़ी का फिटिंग चालू करेंगे। इस गाड़ी पे ये लेक्सस का पर्ल फिनिश सोनिक क्वाड कलर बहुत ही सुंदर निकल गया है और मैं फ्रैंकली बोलूं तो अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा इस गाड़ी को इस कलर में एक फेसलिफ्ट एडिशन में देखने में। गाड़ी का फिटिंग का काम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये गाड़ी फाइनली निकल के कैसी आई है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, BMW पे ये पूरा जनरेशन चेंज जो है वो प्लग एंड प्ले फिटिंग में आता है। इसका मतलब कहीं भी वायरिंग में चेंजेस नहीं करने पड़ते, कहीं मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने पड़ते और जो भी पैनल्स फिट किए जाते हैं वो डायरेक्टली बॉडी पर फिट होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर छोटे मोटे प्रॉब्लम जरूर आ सकते हैं, कई जगह पे पैनल गैप्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कई जगह पे अलाइनमेंट इश्यूज आ सकते हैं। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये इश्यूज एकदम बेयर मिनिमम हो। आप अगर एस्थेटिकल रीजन से ये सब आपकी गाड़ी में कराना चाहते हैं ताकि आपकी गाड़ी नहीं दिखे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि किसी प्रोफेशनल से ये सारा काम कराएं, क्योंकि अगर आप किसी एमेच्योर को ये काम देंगे तो वो चीजें खराब ज्यादा कर देगा सही करने की जगह। तो अगर आपके पास एक 2012-13-14 की BMW 5 सीरीज है या फिर अगर आप आज एक सेकेंड हैंड 5 सीरीज देख रहे हैं, सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन जहां पर आप एक रिलेटिवली कम कॉस्ट में अपनी गाड़ी को ब्रांड न्यू जैसा बना सकते हैं। गाड़ी का सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस गाड़ी का फाइनल लुक। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस गाड़ी का एंड लुक आपको कैसा लगा और क्या इस गाड़ी का फिनिश देखने के बाद लगता है कि ये गाड़ी 12 साल पुरानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव।
Hi everyone, I am coming from Tamil Nadu. I have inquired about the Brautomotive team and then see many of reviews from YouTube. And I will get my BMW 520D to conversion of latest model and then color change. Nice experience with them. They will treat us in a friendly manner and they have do the work patiently for much satisfying for us. Now we have complete our work. You can see our car. The work will speak what they are. I think hope they will grow well.